नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली है 156 जेएलओ के पदों पर वैकेंसी, जिसके आवेदन 26 सितंबर 2019 से भरना प्रारंभ हो गए हैं तथा 25 अक्टूबर 2019 आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। तो दोस्तों, यदि आप भी LLB पास आउट हैं या LLB थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं तो आप इस पद के लिए जरूर आवेदन करें। दोस्तों, RPSC द्वारा जेलों के अंतर्गत टोटल 4 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत पहला भारतीय संविधान से, दूसरा CPC CRPC से, तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट से तथा चौथा प्रश्न पत्र हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा जाता है। दोस्तों, हमने वर्ष 2013 के RPSC द्वारा लिए गए जेलों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाया है, जिसकी वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आपने यदि वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मुझे आपके द्वारा कई कमेंट मिले, जिनके द्वारा कहा गया कि एक सभी प्रश्नों की एक साथ एक क्विक वीडियो बनाई जाए, जिसके अंतर्गत बिना किसी स्पष्टीकरण के यह वीडियो हो। तो इसी क्रम में हमने भारतीय संविधान का पहला प्रश्न पत्र के 101 से 150 को हमने सॉल्व करवा दिया तथा आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने पेपर सेकेंड अर्थात CPC CRPC के 1 से 150 को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपके द्वारा लाइक किए जाने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अधिक ऐसे वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों, पेपर सेकंड के अंतर्गत टोटल CPC CRPC के टोटल 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें CPC के 75, CRPC के 75 प्रश्न होते हैं। टोटल 150 प्रश्न और यह 150 प्रश्न टोटल 50 मार्क्स के होते हैं तथा 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अर्थात यदि आपने गलत आंसर दिया तो आपके प्राप्तांकों में से 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि CPC 1908 विस्तारित है, नंबर 4 इसका सही आंसर है। ये वर्ष 2013 के अनुसार नंबर 4 इसका सही आंसर आता है कि जम्मू कश्मीर, नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में CPC विस्तारित है। एक डिग्री हो सकती है सभी प्रकार की, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नंबर 4, प्रारंभिक, अंतिम और अंशतः, प्रारंभिक अंशतः या प्रारंभिक अंतिम, प्लीडर परिभाषित है। नंबर 1 इसका सही आंसर है, धारा 2-15 में प्लीडर परिभाषित है। निर्णय का अर्थ है, दोस्तों यह प्रश्न ऑब्जेक्शन के चलते RPSC द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नंबर 5 प्रश्न है कि CPC की धारा 11 की किस स्पष्टीकरण में आणविक प्रौद्योगिकी की व्याख्या की गई है, तो नंबर 3 इसका सही आंसर है, अर्थात स्पष्टीकरण 4 में यह कहा गया है। 6 प्रश्न है कि धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता संबंधित है, तो इसका सही आंसर है नंबर 1, विचाराधीन मामले से। 7 प्रश्न है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 16 के अंतर्गत अचल संपत्ति से संबंधित वाद दायर किया जा सकता है ऐसे न्यायालयों में जिसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंतर्गत, उपरोक्त सभी यानी नंबर 4 इसका सही आंसर है, जहां प्रतिवादी निवास करे, प्रतिवादी व्यापार करे या संपत्ति स्थित हो। 8 प्रश्न है कि मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्च हेतु न्यायालय आदेशित कर सकेगा, नंबर 3 इसका सही आंसर है, ₹3,000 तक का। 9 प्रश्न है कि CPC में कुल, नंबर 2 इसका सही आंसर है, 158 धाराएं और 51 आदेश होते हैं। 10 प्रश्न है कि जहां न्यायालय की आधिकारिकता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है, वहां वाद करने का स्थान निर्धारित होगा CPC की धारा 18 के अनुसार, नंबर 4 इसका सही आंसर है। 11 प्रश्न है कि डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा कराया जा सकता है, तो नंबर 4 इसका सही आंसर है, पारित करने वाले न्यायालय या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह भेजी जाती है। 12 प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है? तो इसका सही आंसर है नंबर 3, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित वाद। प्रश्न 13 कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 56 एक डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार करने वाले या सिविल कारावास में निरुद्ध करने हेतु विशेष रूप से निषिद्ध करती है। तो इसका नंबर 3 इसका सही आंसर है, एक स्त्री को। 14 प्रश्न है कि आदेश 5 नियम 1 के अंतर्गत प्रतिवादी को अपना लिखित कथन पेश करना होता है। नंबर 2 इसका सही आंसर है, समन तामीर होने के 30 दिन के भीतर। 15 प्रश्न है, गार्निश आदेश दिया जाता है। नंबर 2 इसका सही आंसर है, निर्णित ऋणी के ऋणी को। 16 प्रश्न है, किन आधारों पर निर्णयों या आदेशों में संशोधन किया जा सकता है? तो नंबर 4 इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी आधारों पर अर्थात लेखन संबंधी भूल, गणितीय संबंधी भूल या आकस्मिक भूल में निर्णय और आदेशों में संशोधन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 17, धारा 46 सीपीसी संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, आज्ञा पत्र। प्रश्न संख्या 18, अभिवचन परिभाषित है। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, आदेश 6 नियम 1। प्रश्न संख्या 19, रेलवे से संबंधित वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी कौन होगा? तो इसका सही आंसर है नंबर 1, उस रेलवे का प्रधान प्रबंधक। प्रश्न संख्या 20, 50 लाख रुपए के मूल्य का मूल वाद संस्थित कहां होगा? नंबर 2 इसका सही आंसर है, वर्ष 2013 के अनुसार सही इसका सही आंसर होगा जिला न्यायालय। प्रश्न संख्या 21 है, वाद पत्र का नामंजूर किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4 अर्थात उपरोक्त सभी, जहां वाद हेतु प्रकट नहीं होता, जहां 2 प्रतियों में नहीं भरा जाता, जहां वाद पत्र के कथन में यह प्रतीत होता है कि किसी विधि द्वारा वर्जित है, तो ये चारों इसके लिए सही आंसर है। 22वां प्रश्न है कि केवियट दायर करने के पश्चात कितने दिन तक प्रभावी होती है? तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3 अर्थात 90 दिन। प्रश्न संख्या 23, न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 34 के अधीन सम्मन निकाला गया, हाजिर करने के लिए विवश करने के लिए क्या क्या कार्रवाई अमल में ला सकती है? तो नंबर 4 इसका सही आंसर है कि उसे गिरफ्तार करके वारंट निकाल सकेगी, उसकी संपत्ति को कुर्क और विक्रय कर सकेगी, उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी। प्रश्न संख्या 24, धारा 91 सीपीसी के अंतर्गत वाद दायर किया जाता है। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, महाधिवक्ता द्वारा। 25वां प्रश्न कि न्यायालय से बाहर विवादों के निपटारे के लिए न्यायालय संदर्भित कर सकता है, यह कौन सी धारा में कहा गया? तो नंबर 3 इसका सही आंसर है, धारा 89। 26वां प्रश्न कि आदेश 40 नियम 3 में प्रावधान है। तो इसका सही आंसर है नंबर 2, यहां रिसीवर की ड्यूटी अर्थात प्रापक के कर्तव्यों के बारे में प्रावधान है धारा आदेश 40 नियम 3 में। प्रश्न संख्या 27, न्यायालय सीपीसी की धारा 95 के अंतर्गत अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी के कारण वादी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निर्धारण कर सकती है जो कि अनधिक होगी। तो नंबर 3 इसका सही आंसर है, 50,000 रुपए तक की। प्रश्न संख्या 28, मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित उपबंध निम्नलिखित आदेशों में किस में अंतर्विष्ट हैं? तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, आदेश 8 में। प्रश्न संख्या 29, आदेश 21 में कुल कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर है नंबर 2, 106 नियम है। प्रश्न संख्या 30 कि सीपीसी की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील कहां दायर की जाएगी?
तो इसका सही आंसर है नंबर दो, उच्च न्यायालय में। प्रश्न संख्या 31, शरीर के प्रति किए गए अपकर के लिए प्रतिकर के लिए वाद दायर किया जाएगा जहां, तो इसका सही आंसर है नंबर फोर, किसी भी उपरोक्त न्यायालय में वादी के विकल्प पर। प्रश्न संख्या 32, सीपीसी की धारा 102 के अंतर्गत किसी डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं की जा सकती जब तक कि धन की वसूली के लिए मूल वाद की विषय वस्तु अनधिक हो। तो इसका सही आंसर वर्ष 2013 के अनुसार 25,000 रुपए से अधिक, नंबर दो इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 33, कि सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपीलीय नहीं है, तो इसका सही आंसर है नंबर एक, धारा 24 के अधीन आदेश। प्रश्न संख्या 34, अंतराभिवचनी वाद के अंतर वास्तविक विवाद किनके मध्य होता है, तो इसका सही आंसर है नंबर थ्री, केवल प्रतिवादियों के मध्य। प्रश्न संख्या 35, न्यायिक अधिकारियों की सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट है जब है, नंबर चार इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी न्यायालय को जा रहे हैं हो, न्यायालय से लौट रहे हैं हो, या न्यायालय में पीठासीन हो। प्रश्न संख्या 36, सिविल प्रतिक्रिया संहिता की धारा 115 में किसके बारे में प्रावधान है, तो नंबर दो इसका सही आंसर है पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान है। प्रश्न संख्या 37, किस धारा के अंतर्गत कुछ स्त्रियों को स्वीय उपसंजाति से छूट है, तो सही आंसर है नंबर दो, धारा 132 में। प्रश्न संख्या 38, कि न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89(1) के अंतर्गत कोई विवाद विनिर्दिष्ट कर सकेगा, नंबर चार इसका सही आंसर है मध्यस्थ या सुलह या लोक अदालत या मध्यस्थता। प्रश्न संख्या 39, वाद को सुनवाई के दौरान एक पक्ष को अधिकतम स्थगन आदेश 17 नियम 1 के अंतर्गत कितनी बार दिए जा सकते हैं, तो नंबर दो इसका सही आंसर है अधिकतम 3 बार दिए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 40, असंयोजन और कुसंयोजन के बारे में आक्षेप कब उठाए जा सकेंगे, तो इसका सही आंसर है नंबर फोर, उपरोक्त सभी विवादक स्थिरीकरण के समय, विवादक स्थिरीकरण के पहले, यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर। प्रश्न संख्या 41, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जब संबंध की तामील प्रतिवादी के घर पर अनुपस्थिति के कारण उचित समय पर नहीं हो पाए तब संबंध की तामील की जा सकेगी, नंबर दो इसका सही आंसर है उसके अडल्ट सन को अर्थात वयस्क पुत्र को दिया जा सकेगा। प्रश्न संख्या 42, अनुपूरक कार्रवाइयां अंतर्गत हैं, तो नंबर तीन इसका सही आंसर है धारा 94 में अनुपूरक कार्रवाइयां बताई गई हैं। प्रश्न संख्या 43, धारा 91 सीपीसी के अंतर्गत वाद दायर किया जाता है, तो सही आंसर होगा नंबर एक, महाधिवक्ता द्वारा। प्रश्न संख्या 44, कि सीपीसी उपबंध करती है, तो इसका सही आंसर होगा नंबर तीन, अस्थायी व्यादेश के बारे में। प्रश्न संख्या 45, कि प्रश्नमालाओं में आपत्ति केवल तभी की जा सकती है जब वह मामला, तो इसका सही आंसर होगा नंबर फोर, उपरोक्त में से कोई भी, अर्थात यदि सुसंगत नहीं है, निंदात्मक है या सद्भावना पूर्वक नहीं है तो। प्रश्न संख्या 46, जहां निर्णय तुरंत नहीं सुनाया जाता वहां साधारण परिस्थितियों में सुनाया जाना चाहिए, कितने समय में, तो इसका सही आंसर होगा नंबर दो, 30 दिन में। प्रश्न संख्या 47, जहां सुनवाई की समाप्ति के पश्चात और निर्णय सुनाने से पहले किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है वहां वाद के लिए क्या होगा, तो इसका सही आंसर है नंबर दो, वाद का उपशमन नहीं होगा। प्रश्न संख्या 48, कि वाद के पक्षकार वाद में समझौता कर सकेंगे, तो इसका सही आंसर है नंबर दो, सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 49,
निर्णय और डिक्री का अध्याय सीपीसी में आदेश 20 के अंतर्गत दिया गया है। प्रश्न संख्या 50, धारा 75 के अंतर्गत कमीशन जारी किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। स्थानीय अन्वेक्षण के लिए, लेखाओं की परीक्षाओं के लिए, विभाजन के लिए। प्रश्न संख्या 51, विचाराधीन प्रकरण में कितना ब्याज दिलाया जा सकता है, तो दोस्तों यह प्रश्न आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 52वां नंबर, 52 नंबर कि सीपीसी के आदेश 37 के अंतर्गत कोई वाद दाखिल किया जा सकेगा, तो इसका सही आंसर है 52 का नंबर 4, अर्थात लघुवाद न्यायालय में, नगर सिविल न्यायालय में, हाई कोर्ट में। प्रश्न संख्या 53, आदेश 32 के संबंधित है, नंबर 2 इसका सही आंसर है कि कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 54, राजदूतों के विरुद्ध कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में जो कि अन्यथा ऐसी वाद का विचारण करने में सक्षम है सहमति से लाया जा सकेगा, नंबर 2 इसका सही आंसर है केंद्र सरकार की अनुमति से। प्रश्न संख्या 55, आदेश 37 के अंतर्गत एक वाद इन आधारों पर दायर किया जा सकता है, नंबर 4 इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, विनिमय पत्रों, वचन पत्रों और हुंडियों के आधार पर। प्रश्न संख्या 56 है, 56, वादार्थ संरक्षक है, नंबर 1 इसका सही आंसर है एक व्यक्ति जो अवैध की तरफ से प्रतिरक्षा करता है। प्रश्न संख्या 57, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 नियम 1 के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति होगा यदि उसके पास, नंबर 1 इसका सही आंसर है इतना पर्याप्त साधन कि वे वाद में निर्धारित फीस ना दे पाए। प्रश्न संख्या 58, आदेश 39 सीपीसी संबंधित है, नंबर 3 इसका सही आंसर है निगमों द्वारा उनके विरुद्ध वाद। प्रश्न संख्या 59, पक्षकारों द्वारा गवाहों की सूची पेश करनी चाहिए, तो 59 का सही आंसर हो नंबर 3 अर्थात विवादकों की रचना के बाद। प्रश्न संख्या 60, दाम दुपट का नियम क्या है, तो इसका सही आंसर है नंबर 2, यह एक ब्याज से संबंधित नियम है। प्रश्न संख्या 61, अनुरोध पत्र होता है, तो इसका सही आंसर है नंबर 4, यह उपरोक्त सभी अर्थात अनुषांगिक कार्रवाइयां, कमीशन के बदले साक्षी जो भारत से बाहर रहता हो। प्रश्न संख्या 62, अपील न्यायालय को यह शक्ति होगी, तो इसका भी सही आंसर है नंबर 4 अर्थात उपरोक्त सभी, अपीली न्यायालय को शक्ति होगी कि वह मामले का प्रतिपेक्षण करे, विवादक विरचित करे, उन्हें विचारण के लिए निर्देशित करे, मामले का अंतिम रूप से अवधारित करे। प्रश्न संख्या 63, कि वाद में सीपीसी के तहत संशोधन किया जा सकता है, नंबर 4 इसका सही आंसर है आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत, कि सीपीसी के आदेश 12 नियम 6 के प्रयोजनों के लिए तथ्यों की स्वीकृति, तो 64 का सही आंसर होगा नंबर 3 अर्थात या तो अभिवचन में हो सकती है या अन्यथा। कि न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति दी गई है, तो 65 का सही आंसर होगा नंबर 2 अर्थात 149 में दी गई है। 66, डिक्री में शामिल नहीं है, तो नंबर 3 व्यतिक्रम के लिए खारिज कोई करने का कोई आदेश। 67, धारा 26(2) के अंतर्गत प्रत्येक दावे में तथ्यों को साबित किया जा सकेगा शपथ पत्रों के आधार पर, नंबर 4 इसका सही आंसर है। 68, सीपीसी के आदेश 5 नियम 9 3 के तहत प्रतिवादी को समय की सेवा के लिए खर्च वहन किया जा सकेगा, नंबर 1 इसका सही आंसर है
वादी के लिए कि समन्स का जो है खर्च कौन वहन करेगा, वादी करेगा। 69, एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद लाएगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर दो, अर्थात आदेश एक नियम आठ में ऐसा कहा गया है। प्रश्न संख्या 70 कि सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है। तो नंबर फोर, अपीलीय न्यायालय की शक्ति धारा 102 में नहीं दी गई है, बाकी ये तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 71 कि एक्स दिल्ली में रहता है, वाई के विरुद्ध मानहानिजनक कथनों का प्रकाशन कलकत्ता में करता है, वाई एक्स के विरुद्ध दावा कर सकता है कहां। तो नंबर फोर इसका सही आंसर होगा या तो दिल्ली में या कलकत्ता में। प्रश्न संख्या 72, वाद पदों की रचना करना किसका कर्तव्य है, यह न्यायालय का कर्तव्य है वाद पदों की रचना करे। तो नंबर तीन इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 73, प्रतिस्थापित तामील अंतर्गत की जाती है। तो नंबर फोर इसका सही आंसर है आदेश पांच नियम बीस में। प्रश्न संख्या 74, निष्पादन विक्रय के आगमों का डिक्रीदारों के बीच अनुपातिक वितरण का प्रावधान है। नंबर दो इसका सही आंसर है कि धारा 73 में यह प्रावधान है। प्रश्न संख्या 75 कि आदेश 38 नियम 13 के अंतर्गत कौन सी न्यायालय को अचल संपत्ति को कूट करने का अधिकार नहीं है। तो सही आंसर है नंबर दो, लघुवाद न्यायालय को ऐसा अधिकार नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति कब मिली। तो इसका सही आंसर है नंबर दो, 25 जनवरी 1974 को। सीआरपीसी 1973 की मुख्य विशेषताओं में से एक है। प्रश्न संख्या 77 का सही आंसर है नंबर तीन कि न्यायपालिका को वह कार्यपालिका से पृथक करती है। प्रश्न संख्या 78 कहता है पीड़ित में सम्मिलित है। नंबर फोर, उपरोक्त सभी, जिससे कोई क्षति करित हुई हो, जिसका कोई संरक्षक, उसका कोई विधिक वारिस। प्रश्न संख्या 79, अन्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न संख्या 79 का सही आंसर है नंबर दो, साक्ष्य एकत्रित करना। वारंट केस का अर्थ होता है एक ऐसा मामला। तो नंबर फोर इसका सही आंसर है, संबंधित अपराध में सजा का प्रावधान 2 वर्ष से अधिक के कारावास का है, तो ऐसा मामला वारंट मामला कहलाएगा। प्रश्न संख्या 81 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक विशिष्ट लोक अभियोजक को कम से कम एक अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो सही आंसर होगा नंबर तीन, अर्थात धारा 24(8) में कहा गया है कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रख सकता है। तो नंबर तीन इसका सही आंसर है, 24 घंटे। प्रश्न संख्या 83 है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संबंधी प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या नंबर वन अर्थात 10 लाख से अधिक की हो। 84, प्रश्न संख्या कि पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियों का वर्णन नंबर तीन में दिया गया है अर्थात धारा 76 में, सॉरी धारा 36 में। प्रश्न संख्या 85 कि प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होता है। नंबर दो इसका सही आंसर है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के। प्रश्न संख्या 86, अभियोजन निदेशालय की स्थापना सीआरपीसी की किस धारा में की गई है। तो नंबर तीन इसका सही आंसर है धारा 25A में। प्रश्न संख्या 87, अपर सम न्याय सत्र न्यायाधीश निम्नांकित दंडादेश पारित कर सकता है। नंबर दो, कोई भी परंतु यदि मृत्युदंड दिया जाता है तो हाईकोर्ट उसकी पुष्टि करेगी। प्रश्न संख्या 88 कि सीआरपीसी की किस प्रावधान के अंतर्गत यह उपबंधित है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए बाध्य है। तो इसका सही आंसर है नंबर फोर अर्थात धारा 37 में यह प्रावधान है। प्रश्न संख्या 89, एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जब वह
नंबर फोर कि किसी उसकी उपस्थिति में एक संघीय और अजमानती अपराध करता है, प्रश्न संख्या 90, कुछ अपराधों की इतला का जनता द्वारा दिया जाना उपबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा नंबर वन धारा 39 में। प्रश्न संख्या 91 कि सीआरपीसी की धारा 54 का किसका प्रावधान करती है, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षण अधिकारी द्वारा परीक्षा, नंबर वन इसका सही आंसर है। एक पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी को गिरफ्तार की रिपोर्ट भेजना अनिवार्य होता है, नंबर तीन इसका सही आंसर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। प्रश्न संख्या 93 कि आपराधिक विधि संशोधन 2013 के पश्चात पुलिस अधिकारी किस प्रकार के व्यक्तियों को साक्षी के रूप में उपस्थित उनके निवास स्थान में रखने के लिए पाबंद है, तो दोस्तों यह प्रश्न आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 94 विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु तलाशी वारंट जारी करने के लिए कौन सा शख्स है, तो नंबर फोर इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। प्रश्न संख्या 95 की धारा 195 दंड प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय शब्द में सम्मिलित है, तो नंबर फोर इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी अर्थात सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय और दंड न्यायालय। प्रश्न संख्या 96 की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किस धारा में जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश की व्यवस्था की गई है, तो नंबर वन इसका सही आंसर है, धारा 31 में कहा गया। प्रश्न संख्या 97 फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, तो नंबर दो इसका सही आंसर है, उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है ऐसा, हाईकोर्ट। प्रश्न संख्या 98 अभियुक्त की दोषसिद्धि पर शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए बंद पत्र का निष्पादन करने का आदेश कौन दे सकता है, तो नंबर तीन इसका सही आंसर है, सत्र न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। प्रश्न संख्या 99 दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की अधिकतम अवधि कितनी होगी, तो नंबर तीन इसका सही आंसर है, 3 वर्ष तक की होगी। प्रश्न संख्या 100 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत अपदूषण को हटाने अर्थात न्यूसेंस को हटाने के लिए कौन सक्षम है, तो इसका सही आंसर होगा नंबर वन इसका सही आंसर है, अर्थात जिला मजिस्ट्रेट जो है वह न्यूसेंस को हटाने के लिए सक्षम है। क्यों वो खांसना है क्या? नंबर एक इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो 116 नंबर प्रश्न के लिए थर्ड नंबर इसका सही आंसर है कि असंघीय मामलों को करित करने से संबंधित एक सूचना चाहे वे मौखिक हो या लिखित जो थाने के बारसदक अधिकारी को दी जाती है फर्स्ट एफआईआर कहलाती है। प्रश्न संख्या 117 दंड प्रक्रिया संहिता के न्यून किस धारा में निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, तो नंबर वन इसका सही आंसर है, धारा 304 में यह प्रावधान है। प्रश्न संख्या 118 धारा 164(3) सीआरपीसी के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर व्यक्ति यह कथन करता है कि स्वीकृति करने के इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट उसे क्या करेगा, नंबर वन इसका सही आंसर है कि पुलिस अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 119 सीआरपीसी की धारा 265(6) के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की अपील कहां की जाएगी, तो प्रश्न संख्या 119 का सही आंसर है कि कोई अपील नहीं होगी, नंबर 4 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 120 है
कि सीआरपीसी की धारा 272 के अंतर्गत राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की भाषा कौन अवधारित करेगा, तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3 अर्थात राज्य सरकार यह तय करेगी। सीआरपीसी की धारा 439 के अंतर्गत जमानत रद्द करने का क्षेत्राधिकार किसे है, तो 121 का सही आंसर होगा नंबर 2 कि हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय को है यह अधिकार। 122वां प्रश्न है कि कब एक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के में सक्षम होगा, तो नंबर 4 इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी अर्थात पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद पर, पुलिस अधिकारी से बिना किसी व्यक्ति की सूचना या स्वयं के ज्ञान पर। प्रश्न संख्या 123, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह उद्धृत किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त साधन है अपने माता पिता का भरण पोषण करेगी, तो इसका सही आंसर है नंबर 3 अर्थात विजय मनोहर अल्बर्ट वर्सेस काशीराम राजाराम के मामले में ऐसा कहा गया। प्रश्न संख्या 124 है कि धारा 265A किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है नंबर 3 अभियुक्त की पहचान से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125 कि प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनधिक जुर्माने का दंडादेश दे सकेगा, तो वर्ष 2013 के अनुसार इसका सही आंसर है नंबर 3 ₹10,000 तक दे सकेगा। प्रश्न संख्या 126 है कि सीआरपीसी के अंतर्गत शमनीय अशमनीय अपराधों का वर्गीकरण कौन सी किसमें दिया गया है, तो इसका सही आंसर है नंबर 3 अर्थात धारा 320 में ऐसा कहा गया है। प्रश्न संख्या 127 है कि धारा 55A के अंतर्गत अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वे अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा का देखभाल करे, और यह अंतर स्थापित किया गया था कब, तो इसका सही आंसर है नंबर 2 कि सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत ऐसा कहा गया था। प्रश्न संख्या 128 है कि सीआरपीसी की धारा 199(2) के अंतर्गत संस्थित मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन सी होगी, तो नंबर 3 इसका सही आंसर है पुलिस रिपोर्ट से, अन्यथा संस्थित वारंट मामले हैं ये। प्रश्न संख्या 129 साधारणता विचारण का स्थान कहाँ होगा, तो नंबर 1 इसका सही आंसर है कि जहां अपराध किया जाए वह। प्रश्न संख्या 130 सीआरपीसी की धारा 260 के अंतर्गत किन अपराधों को संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता, तो नंबर 1 इसका सही आंसर है कि 2 वर्ष से अनधिक अवधि के दंडनीय अपराधों का वर्गीकरण संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 131 है कि किससे संबंधित प्रावधान सीआरपीसी में नहीं है, तो पुनरावलोकन से संबंधित तथा तीसरा इसका सही आंसर है पुनरावलोकन से संबंधित प्रावधान, रिव्यू से संबंधित प्रोविजो सीआरपीसी में नहीं है। सीआरपीसी की प्रश्न संख्या 132 है कि धारा 436A सीआरपीसी किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है नंबर 3 विचाराधीन कैदी को निरुद्ध रखने की अवधि से संबंधित है यह। प्रश्न संख्या 133 कि आरोप तय करने में गलतियां या लोप केवल तब तात्विक होंगे अगर उनके कारण न्याय नहीं हो पाए, अर्थात 2 नंबर इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 134 सीआरपीसी की किस धारा के अधीन साक्षी की भाव अंगिमाओं से संबंधित कथनों को अभिलिखित करने का उपबंध है, तो इसका सही आंसर होगा धारा 280(2) इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 135 पुलिस डायरी का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर है नंबर 3 कि धारा 172 के अंतर्गत अन्वेक्षण में पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित कार्रवाइयां। प्रश्न संख्या 136 सीआरपीसी की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकेगा, तो धारा 315 में यह कहा गया है नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 137 कि मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मामला शीर्ष न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है, नंबर 1 इसका सही आंसर है धारा 209 तथा धारा 323 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन। प्रश्न संख्या 138 सीआरपीसी की किस धारा में कहा गया कि न्यायालय खुला होगा, इसका सही आंसर है नंबर 2 धारा 327 में मजिस्ट्रेट व्यक्ति को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकेगा, तो इसका सही आंसर होगा 2 सीआरपीसी की धारा 205 के अंतर्गत हाजिरी माफी।
प्रश्न संख्या 140, अग्रिम जमानत जारी करने का न्यायिक अधिकार किसे है? नंबर 4 इसका सही आंसर है केवल सत्र न्यायालय और हाईकोर्ट को। प्रश्न संख्या 141, उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि में हस्ताक्षर करने हेतु कम से कम कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है 3, अर्थात 2 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 142 की सीआरपीसी की धारा 460 के अंतर्गत कौन सी अनियमितता कार्रवाई को दूषित नहीं करती? नंबर 4 इसका सही आंसर है कि धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना। प्रश्न संख्या 143, सीआरपीसी की धारा 354(5) के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तब वह दंडादेश निर्देश होगा कि? तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। प्रश्न संख्या 144, सीआरपीसी की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील ना होने पर उसे फरार उद्घोषित किया जा सकता है? तो नंबर 3 इसका सही आंसर है धारा 82 में यह प्रावधान है। प्रश्न संख्या 145, सीआरपीसी की धारा 407 संबंधित रखती है मामलों एवं अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। नंबर 2 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 146, 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने हेतु मर्यादा अवधि कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, 3 वर्ष। 147, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितना जुर्माना दे सकता है? तो इसका सही आंसर है कि कोई सीमा नहीं है, वर्ष 2013 के अनुसार इसका सही आंसर है कि कोई सीमा नहीं है। 148, प्रश्न संख्या, सीआरपीसी की धारा 477 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसके परामर्श के पश्चात नियम बना सकेगा? तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1, राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात। प्रश्न संख्या 149, सीआरपीसी की कौन सी धारा न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों को व्यक्तिगत मामले में हितबद्ध होने से संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 479, अर्थात 2 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या अंतिम 150 नंबर का प्रश्न है ये कि सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, कौन कर सकता है? तो नंबर 4 इसका सही आंसर है हाईकोर्ट अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों ये था जेलो वर्ष 2013 का सेकंड प्रश्न पत्र सीपीसी सीआरपीसी का, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 150 को सॉल्व किया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।